इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये शानदार महल राजस्थान के शहर उदयपुर के दिल जैसा है। करीब 450 साल पहले मेवाड़ के राजाओं ने इसे अपने रहने के लिए बनवाया था। सिटी पैलेस नाम से मशहूर ये महल 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक शहर के खुशनुमा इतिहास की झलक दिखा रहा है। सिटी पैलेस प्रसिद्ध झील पिछोला के किनारे स्थित है। यहाँ एक संग्रहालय भी है। आज ये राजस्थान के सबसे दर्शनीय स्थानों में से एक है। इतिहास में उदयपुर शहर मेवाड़ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस शहर की स्थापना सन 1553 में महान शासक महाराणा प्रताप के पिता महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। उदयपुर से पहले राजस्थान के ही नागड़ा और चित्तौड़ जैसे खुशहाल शहर भी मेवाड़ शासकों की राजधानी रह चुके हैं। महाराणा उदय सिंह द्वितीय सन 1537 में चित्तौड़ में राजगद्दी पर बैठे थे। उसी समय दिल्ली, मालवा और गुजरात की तरफ से चित्तौड़ पर हमले शुरू हो गए थे। चित्तौड़ हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के करीब अपनी नई राजधानी बसाई। बताया जाता है कि पिछोला झील 14वीं शताब्दी में किसी बंजारे ने बनाई थी। ये सुंदर स्थान जंगलों, झीलों और अरावली पर्वतों से घिरा था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में सिटी पैलेस की बुनियाद रखी थी, लेकिन इसका परिसर आगे आने वाले महाराणाओं के हाथों बेहतर होता गया, जिन्होंने नई नई शिल्पकारी के साथ नए भवन बनाकर इसे और सुंदर रूप दिया। सिटी पैलेस से सुंदर पिछोला झील के पानी के साथ ही लेक पैलेस, जग निवास और जग मंदिर जैसी भव्य इमारतों को देखा जा सकता है। महल परिसर सिर्फ शाही खानदान की रिहाइश की जगह ही नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा का शासन भी यहीं से चलता था। यहाँ के भवनों की अद्भुत शिल्पकारी में कई अलग अलग अंदाज देखे जा सकते हैं, जिनमें राजपुताना और मुगल शिल्पकारी खास है। यहाँ सबसे पुराना हिस्सा है राय आंगन, जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, और माना जाता है कि इसी के साथ सिटी पैलेस परिसर का निर्माण आरंभ हुआ था। उसके बाद कई शाही महल, मकान, आंगन, प्रवेश द्वार और बगीचे बाद के समय में बनवाए गए। जब आप यहाँ इन शानदार जगहों के बीच से गुजरेंगे तो हर जगह और हर कोना आपको शाही दौर की कहानी सुनाता महसूस होगा। शहर और महल में कई प्रवेश द्वार हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें पोल कहा जाता है। इस भव्य परिसर में आपका स्वागत बड़ी पोल से होगा। यहाँ से आप परिसर की सबसे शानदार जगहों में से एक मुख्य परिसर द्वार यानी त्रिपोलीय पोल पहुँचेंगे। इन दोनों प्रवेश द्वारों के बीच में 8 सजावटी दरवाजे या तोरणे हैं। परिसर में पहुँचने के बाद आपको कई बड़े और खुले आंगन मिलेंगे, जैसे मानिक चौक, मोती चौक, मोर चौक या फिर दिलखुशाल महल, बड़ी महल, मानिक महल और शीश महल जैसे सुंदर महल। कुल मिलाकर ये सब यहाँ गुजरे जीवन का खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। पूरा महल पारंपरिक पेंटिंगों, जड़ाऊ काम, टाइलों और कांच के काम जैसी चीज़ों से सजा हुआ है। सन 1969 में महाराणा भागवत सिंह ने इस परिसर में मर्दाना महल और जनाना महल को औपचारिक रूप से संग्रहालय घोषित कर दिया था। संग्रहालय की कई गैलरियों में बहुमूल्य पेंटिंगें, फोटोग्राफ, हथियार और लंबे शाही इतिहास की बेशकीमती कलाकृतियां मौजूद हैं। संग्रहालय के बड़े आकर्षणों में एक है महान शासक महाराणा प्रताप का कवच। दिलचस्प बात यह है कि महल का एक हिस्सा आज भी मेवाड़ के शाही खानदान के लिए है। संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र और मेवाड़ की शाही विरासत की ये निशानी सिटी पैलेस आपकी यात्राओं की सूची में जरूर होना चाहिए।